आज की जिंदगी में हर कोई हेल्दी रहना चाहता है, पर ज्यादा ओवर ईटिंग करने से हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचता है। इसलिए आज मैं आपके लिए बेस्ट ऑप्शन लाई हूं, जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपके खाने की क्रेविंग, जो आपकी भूख है, वो भी मिट जाएगी। ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, तो चलो हम बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन किचन। तो इंडियन किचन में आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही हेल्दी फूड। आप इसको कभी भी बनाकर खा सकते हो, स्टोर कर रख सकते हो, एक महीने तक ये खराब नहीं होगा। तो मेरे तरीके से बनाओगे तो ये आपको चटपटा भी लगेगा और इसको आप स्टोर कर भी रख सकते हो। ये हेल्दी ऑप्शन है, आपकी भूख भी मिटाएगा और आपको बहुत ही यम्मी लगेगा। और यहाँ पर मैंने मखाने लिए हैं एक कटोरी, ये पीनट है जिसको हम रोस्ट करेंगे। ये सभी चीज़ों को हम रोस्ट करेंगे। एक से डेढ़ चम्मच तेल लगेगा जिसमें ये रोस्ट होंगी। बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। यहाँ पर मैंने चनों को रात भर भिगो कर रखा हुआ था, अब इसको हम थोड़ा सा ड्राई करेंगे। चनों को ड्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कपड़ा लिया है। आप कोई भी चीज़ मोटी मोटा कपड़ा ले सकते हो। इन चनों का हम इन पर बिछा देंगे अच्छे से। अब इनको 5 मिनट तक ऐसे ही रख देंगे। इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो कपड़ा इसको सोख लेगा, उसके बाद हम रोस्ट करेंगे। जब तक हमारे चने सूख रहे हैं तब तक हम दूसरी चीजों को रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पैन लिया है। पैन में मैंने एक छोटा चम्मच देसी घी का लिया है। आप कुछ भी रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हो, पर ये हेल्दी होता है इसलिए मैंने देसी घी लिया है। अब सबसे पहले हम पैन में मखानों को रोस्ट कर लेंगे। ये प्रोसेस को हम धीमी आंच पर करेंगे। अब इसको हिलाते हुए धीरे धीरे इसको रोस्ट करते रहेंगे। तब तक रोस्ट करना है जब तक ये अच्छे से क्रंची ना हो जाए। मखानों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। हमें रोज अपने टी टाइम में मखानों को एक कटोरी मखाने जरूर खाने चाहिए। एक से दो मिनट लगते हैं मखानों को रोस्ट होने में, क्योंकि ये हल्के होते हैं, जल्दी पक जाते हैं। तो देखिए मखाने हमारे रोस्ट हो चुके हैं, अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब देखिए उसी पैन में मैंने दोबारा से एक चम्मच घी का लिया है। अब हम पीनट को रोस्ट करेंगे। अब इसको भी धीमी आंच पर अच्छे से रोस्ट करना है। तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इसका छिलका अलग नहीं हो जाता और अच्छी सी धीमी धीमी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, तब तक हमने इनको रोस्ट करना है। तो देखिए चने हमारे अच्छे से सूख गए थे, इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से निकल गया है। अब जब पीनट रोस्ट हो जाएगी उसके बाद हम चनों को रोस्ट करेंगे। तो देखिए मूंगफली भी हमारी अच्छे से भून चुकी है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो दोनों चीजों को हमने भूनकर अच्छे से एक प्लेट में रख दिया है। अब हम चनों को भून लेते हैं। यहाँ पर हमने ब्लैक चने लिए हैं जिसको हम उसी पैन में बिना ऑयल के भूनेंगे। इसको भी भूनने में 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये अच्छे से क्रंची हो जाएंगे।
तो देखिए चने हमारे अच्छे से भून चुके हैं, इनका मॉइस्चर अच्छे से ख़त्म हो चुका है और ये काफ़ी क्रंची हो चुके हैं। अब इसको इसमें हम जो हमने दोनों चीज़ों को हमने रोस्ट करके रखा था वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसमें हम मसाले मिक्स करेंगे क्योंकि हमने इनको चटपटा बनाना है। तो मखाना और मूंगफली भी हम चनों में मिक्स कर देंगे और इसको एक मिनट तक अच्छे से मिक्स कर कर पकाएंगे। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इनको चटपटा करने के लिए हम सबसे पहले नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, चाट मसाला, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च। इन सभी मसालों को हम चने मखाने और मूंगफली में अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक मिनट लगेगा और हमारी बहुत ही हेल्दी टी टाइम स्नैक्स रेडी हो जाएगा। तो देखिए हमारा बहुत ही हेल्दी और यमी मसालेदार स्नैक्स बनकर रेडी है। आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है अगर आप डाइट पर हो, अगर आप कुछ चटपटा खाना चाहते हो, भूख को मिटाने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। आप एक कटोरी अपने एक टाइम पे ले सकते हो, इससे आपको भूख भी कम लगेगी और आपका पेट भी भर जाएगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।